मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार मालती राय ने नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो भी किया। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रोड शो में शामिल हुए। उन्हें रोड शो में हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए अलग अंदाज में अपील की। उन्होंने मालती राय को जिताने के लिए एवज में भोपाल को दुनिया का सबसे अद्भुत शहर बना देने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आधिकारिक हैंडल से इस बारे में ट्वीट भी किया गया। सीएम चौहान ने ट्वीट में लिखा कि भोपालवासी हो मालती राय जी को मेयर बना दो और पार्षद भी मुझे बीजेपी के दिला दो, मैं तुम्हें भोपाल को दुनिया का अद्भुत शहर बनाकर दे दूंगा। सीएम शिवराज ने रोड शो से पहले मेयर उम्मीदवार मालती राय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दर्शन किया। इसकी जानकारी भी सीएम ने ट्वीट करके दी, जिसमें लिखा कि आज कर्फ्यू वाली माता जी का साथी वीडी शर्मा एवं बीजेपी की महापौर प्रत्याशी बहन मालती राय के साथ दर्शन पूजन कर भोपाल और मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। हे मैया, अपनी कृपा की सब पर अनवरत वर्षा करती रहना, यही करबद्ध प्रार्थना है। बता दें कि भोपाल से कांग्रेस ने विभा पटेल को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। दोनों महिला उम्मीदवार के बीच दिलचस्प मुकाबले होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दो चरणों में क्रमशः 6 जुलाई और 13 जुलाई को होंगे। भोपाल मेयर का चुनाव पहले चरण यानी 6 जुलाई को होना है। पहले चरण के चुनाव की मतगणना 17 जुलाई और दूसरे चरण के वोटों की गिनती 18 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।